पिछले दिनों ही एक सोशल मीडिया पे मेरे बड़े जो प्यारे दोस्त अजीम अली शेख साहब हैं, उन्होंने एक बड़ी प्यारी जो है वो बात लिखी जो मैं आपके साथ जो है वो ज़रूर शेयर करना चाहूँगा। उन्होंने कहा जी कि माँ बाप उस्ताद और किताबों की अहमियत जो है वो बिल्कुल अपनी जगह पे होती है, मगर सबक वही याद रहता है जो वक्त और लोग सिखाते हैं। हम कोशिश करेंगे लोगों की ज़िंदगी में खुशियाँ बिखेरने वाले बने, सबक देने वाले ना बने। मैं मानावाला से अपने बहुत ही प्यारे दोस्त हमारे साथी राणा अदनान शाह साहब से गुजारिश करूंगा कि वो स्टेज पे और खैलात से नवाजे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं आज के प्रोग्राम में जियो प्रेस क्लब खानका डोगरा उनका बहुत ज़्यादा मशहूर हूँ कि उन्होंने आज ये प्रोग्राम, इस प्रोग्राम में दोस्तों को बुलाया, इकट्ठा किया। जियो प्रेस क्लब के सदर जनाब अमरान साबर डोगर साहब, चेयरमैन मदरसा भट्टी साहेब, जनरल सेक्रेटरी मजहर इकबाल शादी साहेब और हमारे दुनिया टीवी के सीनियर साहबी मलक शाह मोहम्मद साहब, उनका दिल की अथाह गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। इसके बाद हमारे मोहतरम बड़े भाई, हमारे कायद, हमारे मोहतरम जनाब खान शहबाज अहमद खान साहब, उनका दिल की अथाह गहराइयों से शुक्रिया अदा करते हैं कि वो आज इस प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। उनके साथ जनरल सेक्रेटरी प्रेस क्लब शेखपुरा सुल्तान हमीद राही साहब, उनके साथ बड़े भाई अजीम अली शेख साहब, मुस्तफा खान साहब, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो आज इस प्रोग्राम में आए और इस प्रोग्राम को चार चांद लगाए। तो मैं तमाम दोस्तों को ये बताना चाहता हूँ कि जो SHO मानावाला लतीफ गुजर ने मानावाला में जो किया वो हमारे साथ वो मसला किया, हम पे FIR की। उसके बाद हमारे जो सदर प्रेस क्लब शेखपुरा राणा उस्मान साहब, हमने उनके नोटिस में दिया, बाकी दोस्तों को बताया, उन्होंने फौरी तौर पर उस मसले को हल करते हुए हमें वहाँ से क्लियर करवाया। लेकिन मैं दोस्तों को सिर्फ बताना चाहता हूँ कि आज जो ये दूसरा प्रोग्राम खानका डोगरा में है उसकी वजह हमने मानावाला में एक छोटी सी मीटिंग की, उसमें जनाब मकसूद अहमद सबानी साहब और हाजी कलीमुल्ला बाबर साहब को मानावाला बुलाया, दोनों भाइयों को, कि मानावाला आए, हम आपसे एक बात करना चाहते हैं। उस मानावाला में जब वो हमारे पास आए, उनको हमने एक गुजारिश की कि यार रोज़ हाफियों के मिसाइल बनते हैं, तो यार क्यों ना ऐसा किया जाए कि हमारे जो कायदीन हैं शेखपुरा में जनाब खान शहबाज अहमद खान साहब, राणा उस्मान साहब, हम उनकी क्यादत में डिस्ट्रिक्ट ननकाना और डिस्ट्रिक्ट शेखपुरा में हर प्रेस क्लब से दो दो चार चार अहबाब को साथ दे के चलें और जो प्रेस क्लब के जो मामलात हैं उनको इकट्ठा करें। तो वहाँ पर उन्होंने फौरी तौर पर इस चीज़ को पिक करते हुए कहा कि हम जो पहली मीटिंग सफदराबाद में रखते हैं, पहला पौधा हम लगाते हैं, तो इंशाल्लाह उसकी शाखें बनती जाएंगी। तो माशाल्लाह आज खानका डोगरा वालों ने दूसरी मीटिंग रख के सबको इकट्ठा करके ये साबित कर दिया है कि इंशाल्लाह ताला ऐसे मसाइल कोई नहीं, आर्जी तौर पर, वक्ती तौर पर छोटे छोटी रंजिशें, छोटे छोटे मामलात होते हैं, हम सबको मिलकर इकट्ठा होकर कम से कम, देखें आप किसी भी फील्ड में चले जाएं, पुलिस में चले जाएं, अदलिया में चले जाएं, किसी भी डॉक्टर्स में चले जाएं, उनके मसाइल अपनी जगह पर होंगे, लेकिन कोई मसला मसाइल हो तो सब इकट्ठे होते हैं। तो मैं खान साहब से गुजारिश करूंगा कि आज यहां पर आए हैं तो मेरे ख्याल में ये जो एक चेन चल रही है जो मानावाला से सफदराबाद है, शाहकोट, फरुखाबाद, खानका डोगरा, सुखे की, भिंडी बटियाँ और फुलरमान और मजीद जो स्टेशन हैं उनके जो अहबाब हैं उनको बुलाकर इस तंजीम को बकायदा एक नाम दिया जाए, नाम दिया जाने के बाद भरपूर
ये पब्लिक के हवाले से मसाइल हैं जो अवामी मसाइल हैं, जो कोई और मसाइल हैं, उनको जागर करने के लिए इस तंजीम को एक नाम दें, उसके बाद प्रॉपर अपनी पूरी जो अपना टाइम है हमें दें, हमें अपने मशवरों के साथ मामला साथ के चलाएं, ताकि जो जितने मसाइल हमारे हैं, बल्कि मेरे ख्याल में जो मीडिया को सबसे बड़े मसाइल हैं कि अगर एक रिपोर्टर अपनी मोटरसाइकिल पर या गाड़ी पर जाता है, पेट्रोल लगाए, खर्च करे, जाके खबर लेके आता है, अगले दिन उसकी खबर लगती है तो दूसरे प्रेस क्लब वाले या जो दूसरे साथी हैं उसको और रंग दे देते हैं, या उसकी हौसला अफजाई करने के बजाय इंतजामिया को वो भरपूर फेवर दे देते हैं। मेरी सब भाइयों से गुजारिश है कि यार इकट्ठा हो, बिजनेस कारोबार हर बंदे का अपना है, लेकिन इस प्लेटफॉर्म पर इकट्ठे होकर अपनी छोटी छोटी जो बातें मसाइल हैं उनको ख़त्म करें और सब इकट्ठे हों। तो मैं आखिर पे जनाब फिर जनाब सदर जनाब शहबाज अहमद खान साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ और उनका भरपूर इस महफिल में आने पर उनका दिल ठाकराइन से शुक्रिया अदा करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम।